तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं एंड हमें इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। माना पॉइंट 1,1,0 पॉइंट ए है एंड 1,2,1 पॉइंट बी है एंड -2,2,-1 पॉइंट सी है। तब यहां से हम देख सकते हैं कि एक्स वन वन होगा, वाई वन भी वन होगा एंड जेड वन जीरो होगा, एक्स टू वन होगा, वाई टू टू होगा एंड जेड टू वन होगा एंड एक्स थ्री माइनस टू होगा, वाई थ्री टू होगा एंड जेड थ्री माइनस वन होगा। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर। तो पॉइंट्स की कोलिनियरिटी के लिए यदि हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल मिलती है तो हम कहते हैं कि गिवन थ्री पॉइंट्स कोलिनियर हैं। सो अब यहां से ये सभी वैल्यूज इस डिटर्मिनेंट में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें यह मिलता है, जिसे सॉल्व करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है -5, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि जो गिवन थ्री पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला प्लेन यूनिक होगा। अभी हमने सीखा है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन कुछ इस प्रकार से डिफाइन होती है। अब इन सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें यह इक्वेशन मिलती है। अब इसे हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसे कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है उसे सॉल्व करने पर हमें ये इक्वेशन मिलती है। एंड फाइनली हमें ये इक्वेशन मिलती है जो कि हमारी डिजायर्ड इक्वेशन है। एंड ये इक्वेशन है 2x + 3y - 3z = 5।